नमस्ते, आज मैं आपको अपने साथ उष्मा लेके चलूंगा, फिर बाद में चिचेन इत्सा और बाद में इकबालम। वो तीनों जगह बहुत इंपॉर्टेंट है स्पिरिचुअली। युकतन पेनिनसुला, एक्चुअली उसका नाम पहले है युक्तन पेनिनसुला, जो मैक्सिको में है, वो क्रॉन्च द्वीप के जो 7 राजा हैं उसमें से एक का नाम है उष्णी, जिनको क्रॉन्च द्वीप दिया गया था। क्रॉन्च द्वीप मतलब नॉर्थ अमेरिका, और उसमें से एक है उष्णी। उष्णी मतलब जहां पे उष्ण जो कि उनका भी नाम है, शुक्राचार्य का भी नाम है, उनको वो जगह दी गई थी। शुक्र को हम लोग वीनस भी बोलते हैं इंग्लिश में, और यहां पर जब हम उष्मल की बात करते हैं वहां पे राज होता है उष्ण का। उष्मल नाम का कोई व्यक्ति नहीं है, बहुत पुराना नाम है, कोई व्यक्ति नहीं है। 7 प्रांतों में डिवाइड किया गया था क्रॉन्च द्वीप, उसमें से एक है उष्ण, दूसरा दुंदुभी। दुंदुभी जो है नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ क्रॉन्च द्वीप है, विच इज अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका का पुराना जो नाम है क्रॉन्च द्वीप, उसके अनुसार, और मैं पूरा कंफर्म इंफॉर्मेशन बोल रहा हूँ जो कि आपको पुराणों में मिलेगा, रामायण मिलेगा, महाभारत में मिलेगा, हर जगह मिलेगा आपको इन्फॉर्मेशन। और उस पर काफ़ी रिसर्च भी मैंने किया था कि अगर हमको सनातन धर्म का प्रूफ ढूंढना है, क्योंकि एक तो ग्राम हैनकॉक या कार्ल रैंडलसन, ये जितने भी जो अमेरिकन जो आजकल के मॉडर्न फिलोसफर्स हैं, इनको सुनेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये सब जगह कभी ये बदलते रहते हैं, कभी 8,000 साल से जाते हैं। एक्चुअली दे फॉलो नीलेशोक, नीलेशोक उनको कोट करते हैं, लेकिन दीज गाइज फॉलो नीलेशोक, उल्टा बोलते हैं। सो दे आर एक्चुअली फॉलोइंग नीलेशोक, और नीलेशोक इनकी टाइम लिमिट बढ़ाते रहते हैं, और मैं टाइम से ज़्यादा काम करता नहीं हूँ एज पे, तो मेरा काम जनरली नरेशन और प्रूफ ढूंढना होता है। तो अनंत के मंदिर जो है एक बलम में है, अनंत शेष का भी मुंह बना हुआ है, उसके अंदर से दिखते हैं वो, लेकिन उसके भी भयंकर है जगह है, उसके पैरल और इम्पोर्टेंट जगह है उष्मा, जो कि उष्ण के आधार पे है। अभी शुक्राचार्य की आपको कहानी मालूम ही है, किस तरह वो देवताओं के विरुद्ध काम करते हैं, तो युधिष्ठिर पूछ रहे हैं भीष्म को कि हमेशा शुक्राचार्य देवताओं के विरुद्ध कार्य क्यों करते हैं। उसी कहानी बड़ी रोचक है कि उष्णा जो है वो तपस्या में, योग में परिपक्व है, जो है भृगु के पुत्र हैं, भृगु ऋषि के पुत्र हैं, जिसे हम भृगु संहिता पढ़ते हैं, उन्हीं के पुत्र हैं वो, और हमेशा जो उनके कार्य होते हैं वो देवताओं के विरुद्ध होते हैं। उनका एक रीज़न है, उन्होंने योग के माध्यम से कुबेर के मन में प्रविष्ट किया, कुबेर का सारा धन चुरा लिया, फिर बाद में तो कुबेर देवता जो उनसे रुष्ट हो गए, अभी वही कार्य करते, फिर वो महादेव उनसे नाराज हो गए, क्योंकि महादेव सभी देवताओं की रक्षा करते हैं, महादेव नाराज हो गए, तो महादेव के त्रिशूल पे बैठ गए छुपकर। महादेव ने देखा, त्रिशूल को घुमाया, उन्हें मोड़ दिया, इसीलिए उसका नाम पड़ गया पिनाका। पिनाका नाम सुना है ना, उसी से पड़ गया नाम। और फिर उन्होंने उसको मुंह में डाल लिया, महादेव ने उनको मुंह में रख दिया, लॉक कर दिया अंदर, और बोला कि तुम शशनी द्वार के थ्रू ही वापस आओगे, जहाँ से वीर्य निकलता है, और इसलिए उनका नाम पड़ गया शुक्र। शुक्र का अर्थ होता है वीर्य भी होता है। और वहां से जब वो बाहर आए, तब वापस महादेव उनको मारना चाहते हैं, तो माँ भगवती ने रोक दिया, और माँ भगवती के रोकने पर शुक्राचार्य को पुत्र भाव प्राप्त हो गया माँ भगवती का, तब महादेव प्रसन्न हो गए, क्योंकि अगर महादेव रुष्ट हो जाए और माता की भगवती दुर्गा पार्वती ये सभी माताएं जो होती हैं, ये भगवती शिव जी की पत्नी है, रूप अलग अलग है, तो उन्होंने रोक दिया, तब से वो पुत्र भाव प्राप्त हो गए। अब महादेव के पुत्र जिसको बुलाएंगे तो वो तो फ्रीली विचरण करेंगे हर जगह जाके, तो उनको एक रक्षा मिल गई महादेव से और माँ भगवती से, तब से वो काफ़ी पवित्र माने जाते हैं, पूर्ण भी माने जाते हैं। तो अगर आप एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष शास्त्र भी देखेंगे, तो ज्योतिष शास्त्र में
शुक्र जो है वीनस है उसको हमेशा शुभ माना जाता है, हर जगह शुभ माना जाता है, वहाँ पे शांति भोज। अब देखिए जो उष्णा है शुक्र है, इनको इनकी इनसे प्रार्थना करने पे इंद्र प्रसन्न हो जाते हैं। तो इंद्र और शुक्र दोनों साथ में हैं एक साथ। अब ये सोचिए बड़ी बात ये है कि मैं जो लोग हैं, मैं इनको माया नहीं बुलाता हूँ, मैं बुलाता हूँ, क्योंकि माया संस्कृत का अलग शब्द है। ये जो मैं लोग हैं, ये लोग, इनको कैसे पता कि वीनस या शुक्र की पूजा होनी चाहिए, उष्णा की पूजा होनी चाहिए, ये कैसे पता लगा? क्योंकि दानव जितने दैत्य हैं, इनकी इनके गुरु हैं शुक्राचार्य। शुक्राचार्य के पास ही संजीवनी विद्या थी, संजीवनी विद्या उन्होंने बृहस्पति के पुत्र को दी, सन इन लॉ। इस तरह बृहस्पति वापस जीवित हुए। बृहस्पति खुद बोलते अपने सन इन लॉ को कि आप जाके इनसे ज्ञान लीजिए, शुक्राचार्य से दीजिए। तो इनमें भेदभाव भी नहीं है, ये सबको समान दृष्टि से देखते हैं। तो जो लोग बोलते हैं हमेशा मुझे बार बार कि हम तो इसकी पूजा करते हैं, हम इस देवता की पूजा करते हैं, इसकी पूजा करते हैं, आप किसी गुरु के आश्रम में जाके देखिए तो सभी देवताओं, सभी आश्रमों में हर प्रकार के लोग सनातन धर्म से जुड़े हुए, जिनको भगवती में श्रद्धा है, जिनको महादेव में श्रद्धा है, जिनको विष्णु में श्रद्धा है, जिनको पृथ्वी के सांख्य में श्रद्धा है, उन सभी को समान रूप से देखा जाता है गुरु के आश्रम में। तो शुक्राचार्य के आश्रम में सभी लोग जाते हैं, यहाँ तक कि बृहस्पति भी वहाँ पे जाते हैं उनको ज्ञान लेने के लिए, क्योंकि उनको बहुत एक्सपीरियंस है, इनकी योग साधना बहुत ही परिपक्व है। तो ये मेरा बेसिस था कि मैं अगर कहीं से शुरुआत करूँ, क्योंकि मैं कभी मैक्सिको तक ढूंढा घूमा नहीं हूँ। मैं बिजनेस ट्रिप्स में जाता था पहले, तो मैक्सिको सिटी तक ही सीमित रहता था, उसके बाहर मुझे लगता नहीं था कुछ सेफ है। और वहाँ पर भी आप, मैक्सिको एक ऐसा देश है जो कि उसकी गवर्नमेंट ही उसको कंट्रोल नहीं करती है। आप देख लीजिए वहाँ पर निरंतर जो है आए दिन कार्टल्स के कार्टल्स ओपनली ऑपरेट होते हैं, और आजकल तो आप लोग एवोकाडो खाते हैं, आपको मालूम नहीं है एवोकाडो कितने खून पे आपको मिलता है, कितना ज़्यादा खून होता है उसके लिए। तो अगर वो पता लगेगा तो आपको एवोकाडो खाने से चिढ़ हो जाएगी। लेकिन वहाँ का मेन प्रोडक्ट है, वहाँ के एक स्टेट का है, मिचोकान का है एवोकाडो। युकातान जो है पेनिनसुला में आता है और टुवर्ड्स द साउथ ईस्ट पार्ट ऑफ मैक्सिको। और अगर आप वहाँ पे जाएंगे तो सबसे सेफ जगह है, और मैं लोग अभी भी रहते हैं वहाँ पे। मुझे लगता था कि आपको भी लगता होगा कि मैक्सिको में आपको सब लोग ऐसे दिखाई देते हैं, वाइट ऐसा लगेगा आपको, गोरे हैं। ये सारा मिस्टीज़ो पॉपुलेशन है, मतलब कि जो स्पेनियर्ड्स आए उन्होंने मैक्सिकन औरतों से बच्चे प्रोड्यूस करे बाय फोर्स, उसको बोलते हैं मिस्टीज़ो, हाफ स्पेनियर्ड हाफ मैक्सिकन। ये मतलब वहाँ के मेक्सिका लोग, इनका एक्चुअल कलर जो होता है, स्किन कलर जो होता है वो होता है ब्राउन। जो वाइट कलर अगर आपको मैक्सिकन मिलेगा वो कॉलोनाइज वर्जन है, और ज़्यादातर वो लोग अपने आप को दिखाते हैं कि स्पेनियर्ड्स के क्लोज हैं, बड़े लॉयल होते हैं स्पेनिश लैंग्वेज के लिए। स्पेनिश लैंग्वेज तो पूरे मैक्सिकन बोली जाती है, लेकिन युकातान और बहुत सारे जो चियापा जो जगह हैं, यहाँ पे लोकल भाषाएं भी बहुत चलती हैं। लोग अभी भी मैं भाषा बोलते हैं, मैं लोगों की पूजा पद्धति अभी भी है, और मैं लोगों का भोजन ये सभी उनका सात्विक रहता है। जैसे मैंने आपको कहानी बताई हिकारा की, यहाँ का एक फल होता है हिकारा। हिकारा बेल का फूल है, बेल है, इनको फैला दिया स्पेनियर्ड लोगों ने, इसको खाने से बीमारी हो जाएगी, एलर्जी हो जाएगी, तो ये लोग खाते नहीं है। फल होता है, काटते हैं, उसको निकालते हैं, उसका एक डमरू सा बना देते हैं, कमंडल बना देते हैं, वो पानी के लिए, भोजन के लिए, इसके लिए यूज़ होता है, या डेकोरेशन आइटम्स के लिए यूज़ होता है। तो मैंने उसको देखा और मैंने कहा अरे ये तो बेल है, बेल के फूल भी होंगे, अगर बेल जहाँ उग रहा है तो वहाँ महादेव की पूजा भी होनी चाहिए। इनको पता नहीं था। तो पहली बार मैंने इंट्रोड्यूस किया, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मैं तो कुछ ही लोगों से मिला हूँ, तो मुझे करेक्ट भी करिएगा। मैंने उस बेल को, फल को काटा, क्योंकि मुझे इंडिया में उसका एक्सपीरियंस है, और बेल के पत्ते उसके एग्जैक्टली दिखते जैसे भारत के बेल के पत्ते होते हैं, उसको बोलते हैं हिकारा। और मैंने उसको खाया तो एग्जैक्टली स्वीट निकला, वो मीठा था, उसका शरबत बनाया जाता है,
थोड़ा सा उसका पंजन स्मेल होता है, लेकिन गर्मी में बहुत मदद करता है। तो उसका मैंने खाया, उनको बताया, अरे अगर बेल का फूल है तो महादेव की पूजा भी होनी चाहिए यहाँ पे, और महादेव के भक्त कौन है? उषणा, शुक्र। मैंने आपको कहानी पर बताई है, महादेव और उषणा के, महादेव और भगवती के संरक्षण में है उषणा, है भृगु के पुत्र सप्तऋषि। तो इसीलिए ये सब ज्ञान वहां पे पहुंचा, शुक्र का ज्ञान। अब तो हर जगह की महिमा होती है, और अगर आपको कोई पुराने कल्चर्स देखने हो तो आपको आर्कियो एस्ट्रोनॉमी में घुसना ही पड़ेगा। आर्कियो एस्ट्रोनॉमी मतलब आपको ये ज्ञान होना चाहिए कि कौन सा तारा का क्या महत्व है। तो मैं आपको थोड़ा सा और अपनी बुक से, यही बुक है, इसके बेसिस में मैं गया था। इसका दूसरा वर्जन आने वाला है, काम मैं कर रहा हूँ बहुत मेहनत से, लेकिन आजकल समय मिल नहीं रहा है तो इसलिए मैं कर नहीं पाता हूँ पूरी तरह से। तो शुक्र जो है, शुक्र बहुत तेजी से चलने वाला ग्रह है, और शुक्र जो है उन ग्रहों का जो बारिश को कम करते हैं या उसके ऑब्स्टिकल में रहते हैं उनके इफेक्ट को कम करता है। और सभी लोग शुक्र ग्रह को मानते हैं कि ये पुण्यदायी है। और अगर हम देखें कि शुक्र ग्रह के बारे में ये भी है, और शुक्र ग्रह के बारे में दूसरी चीज भी है कि ये जो ग्रह है ये ज्यादा बड़ा तो नहीं है, लेकिन ये ग्रह सभी को, जैसे क्रौंच द्वीप को 7 भागों में डिवाइड किया गया है, कुशल, मनोहर, उष्ण। तो पहले युकतान का नाम होगा उष्ण, प्रवर अंधकार, मुनि दुंदुभी, है ना। ये क्रौंच द्वीप के 7 भाग हैं, जो कि द्युतिमन के पुत्र है, द्युतिमन के पुत्र है। और अगर हम भारत को ही देखें तो जम्बू द्वीप को डिवाइड किया गया अग्निधर के पुत्रों में, नाभि, किम पुरुष, हरि, इरावर्त, रम्या, हिरणवान, कुरु, भरद्वाश्व और केतुमालक। मतलब पुत्रों के नाम पर ही वर्ष के नाम पड़ गए, रीजन्स के नाम पड़ गए। तो क्रौंच को भी इसी तरह डिवाइड किया गया, कुशल, मनोहर, उष्ण, प्रवर, अंधकार, मुनि, दुंदुभी, इन्हीं के नाम पे पड़े सारे। तो अगर जम्बूद्वीप के नाम आज भी वैसे ही हैं तो क्रौंच के नाम भी वैसे ही होने चाहिए। तो पूरा युकतान पेनिनसुला अगर हम देखें उस एरिया को, या मेक्सिको को पार्ट देखें, उसका नाम होना चाहिए उष्ण, क्योंकि ये मेजर पार्ट है, ये 7वां भाग है, पूरा का पूरा भाग ही 7वां है। जैसे देखें ना, किसी स्कॉर्पियन की टेल होती है ना, ऐसे मुड़ा हुआ है, कर्व लिया हुआ है, और बाद में वो पुष्कर द्वीप की तरफ चला जाता है। तो ये पूरा एक ही पेनिनसुला है, एक ही तरह की यहाँ की जगह, तो उष्ण नाम है, इसलिए भी शायद उष्मल नाम पड़ सकता है। मैं इसी शो को इंग्लिश में भी करूँगा ताकि इंग्लिश के लोग सुन सकें, और जो इंग्लिश बोलते हैं। तो यहाँ पे जब मैं गया, तो इसलिए ये सब जगह मैं चूज कर रहा था कि कैसे जाऊँ, तो इसलिए मैंने चूज किया। तो अगर बहुत सारे उधर मंदिर हैं, जैसे कि एक वहाँ पे जगह है साइल, साइल लब्ना, उसमें काबा, एजना, बलम्बुकु, कलकमूल, बेगन, यशचिलान, बोनमपाक, पेलिंके, मोरल रिफॉर्मा, इजापा, लावेंता, बोकना देल रे कोपला, कोपलिता, उषमाल और शलुंगकेन। इस बार मैं गया तो मैं इतनी ज़्यादा जगह कवर नहीं कर पाया, क्योंकि समय भी कम था मेरे पास, और मैं ज़्यादा दिन वहाँ पे रुक भी नहीं सकता था। अभी यहाँ पे लिट फेस्ट भी ऑर्गेनाइज करना है, तो यहाँ पे मुझे वापस आना ही था। तो मैं 5 दिन रहा वहाँ पे, और वहाँ पे मैं एक्चुअली, मुझे एक तो आइडिया हो गया है वहाँ पे, कि मुझे दिखता है कि अभी वहाँ पे हम जा सकते हैं, सेफ है, और वहाँ पे के जो लोकल मय लोग हैं वो मेरे मित्र बन चुके हैं, तो इसलिए मैं वहाँ पे और भी लंबे समय जा सकता हूँ। और उनका खाना भी सात्विक है, जो भी मैंने भोजन किया वहाँ पर, मतलब जो उनका बीन्स होता है,
कॉर्न होता है उसके वो होता है, वो मैंने ज्यादा सिंपल भोजन किया मैंने वहां पर, कुछ भी ज्यादा बाहर का खाया नहीं, वहां के लोगों के साथ ही रहा मैं, इसलिए ज्यादा बीमार भी नहीं पड़ा। लेकिन गर्मी इतनी ज्यादा थी कि मेरा शरीर उतना यूज टू नहीं है, तो वहां पे 50 डिग्री सेल्सियस था, कहीं कहीं पे 44 था, और भयंकर जो है सेल्सियस की बात कर रहा हूँ, और वहां पे भयंकर क्या बोलते हैं ह्यूमिडिटी बहुत थी। तो मेरा मैं तुरंत जाती हीट स्ट्रोक हो गया मुझे, क्योंकि यहाँ पे सैन डिएगो में तो बहुत ही कम टेम्परेचर रहता है। लेकिन फिर भी मैं प्रार्थना भाव से था, जब मैं कर रहा था रेगुलरली, आपने मेरा लाइव शो भी देखा उषमल से, और वहाँ पे बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे अपने आप ही मुझे जाने का मौका मिल रहा था, हर जगह जाने का, इसका मतलब देवताओं का सहयोग भी था। तो अंदर मैं गया हूँ तो आप देखेंगे, पूरा वीडियो में आपको दिखेगा जगह जगह, मैंने वहाँ से बहुत कुछ निकाल दिया है वीडियो में से जो खराब फुटेज है, आपको दिखेगा कि वो हर जगह जो है ऐसा लग रहा है कि वो हिंदू मतलब वैदिक या हिंदू टेम्पल ही है। वो चंद टेम्पल पैलेस की प्लेसमेंट वो देख रहा है, चित्सुक पिरामिड की ओर देख रहा है, पिरामिड मतलब मंदिर, और वो मंदिर जो है उष्णा का मेन मंदिर है, जंगलों के बीच में छुपा हुआ है, और वहां पे शुक्राचार्य की पूजा होती है। तो जितने भी राजा हैं पूरा युकतान पेनिनसुला में, ये सभी शुक्र की पूजा करते हैं। शुक्र की पूजा मतलब इनके जो गुरु हैं जिन्होंने भी जगह बनाई है, हम लोग मय दानव बोलते हैं उनके के, और वहाँ पे इंद्र का मंदिर भी है, इसके लोग शाच बोलते हैं, शक्र बोलते हैं, वो भी है वहाँ पर, और वहाँ पर सभी दूसरे देवताओं का मंदिर भी है जो इंद्र के साथ सहयोगी हैं। सप्तऋषियों की पूजा की जाती है, और इसी तरह इनके 7 मेन टेम्पल्स हैं, हर मंदिर किसी और को डेडिकेटेड है। तो मय के जो मेन गुरु है वो है शुक्राचार्य, और शुक्राचार्य ने ये वही व्यक्ति हैं जो बलि महाराज को बोलते हैं कि ये जो वामन है ये आपका सब कुछ हर लेंगे, और बलि बोलते हैं अरे अगर आप ही ने मुझे सिखाया है, हरि सर्वोत्तम है, विष्णु सभी कुछ है, अगर मैं उनको सब दे दूंगा तो उसमें मुझे तो सभी कुछ मिल जाएगा। ये बलि बोल रहे हैं वामन को। इसी कहानी को तोड़ के इजमल, और इजमन बोलते हैं वो, उसी कहानी को तोड़ के किया गया। अब आपको ये भी बड़ा संयोग होगा कि कभी कभी बलि महाराज को भी इजमल बोला जाता है, इजमत बोला जाता है। तो वामन ने तो छीन लिया, उन्होंने एक पैर मेरु पे रखा, दूसरा मानसोत्तर के ऊपर रखा, सॉरी पहला पग उनका मानसोत्तर पे है, मानसोत्तर मतलब उदयगिरी पहाड़ के बीच की जो चोटी है उसको मानसोत्तर बोलते हैं, सौमनस शिखर बोलते हैं, उसके ऊपर पहला पग रखा उन्होंने, मेरी बुक में आप देख लेंगे इसको, और फिर दूसरा पग उन्होंने अंतरिक्ष में रखा, तीसरा पग रखने की जरूरत नहीं पड़ी। तीसरे पग के लिए बलि ने अपना सिर आगे कर दिया कि आप मेरे सिर पे रख दीजिए, और तो इसलिए बलि की हार तो लगी लेकिन बलि की जीत हो गई, क्योंकि वामन ने बोला मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा पाताल लोक में, उनको पाताल लोक में भेजा उसका राजा बना के, और वामन देव बाहर जाके द्वारपाल बन गए। ये कहानी है। इसी कहानी को तोड़कर एक अंग्रेज ने, स्टीवेंसन नाम का कोई अंग्रेज है, उसने अपनी कहानी बना दी। अभी आप स्पेनिश वर्जन सुनेंगे, किसी को समझ में आता है तो आप देखिएगा उसको। मैंने उसका वीडियो एडिट नहीं किया है, वॉइस ओवर भी नहीं दिया है, ताकि आई जस्ट वॉन्ट यू टू हियर हर कम्प्लीटली। मैं थोड़ा सा वॉइस ओवर दूंगा, उसके जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो दिखा रही है, जो बेल का फूल दिखा रही है, मैं वो दिखाने के लिए करूँगा वॉइस ओवर, लेकिन आप देखेंगे उसको। तो वो जो एंटायर एपिसोड है वो जो एपिसोड है वो आपको दिखाता है कि जो अंग्रेजों ने स्टोरी बनाई सुन सुन के लोगों को, उसी को तोड़ मोड़ कर दिया। अभी देखिए क्या है कि कहीं अगर हम गांव की सामान्य भाषा में देखें, अगर गांव में लोग बताते हैं अपने पूर्वजों के बारे में, तो शायद वो सुन सुन के बता रहे हैं, स्टोरी चेंज होती रही, कब क्या चेंज हुआ, क्योंकि रिटर्न कुछ है नहीं, ओरल ट्रेडिशंस है। और मैं बहुत कोशिश किया कि लोगों के साथ मिलकर कि मैं जाके वो लोकल स्टोरी को निकालूं, लेकिन कहीं भी वो स्टोरी मिली नहीं। ये सभी लोग यूरोपियन वर्जन ही बात कर रहे हैं।
तो मुझे इस पुराणों की स्टोरी में जाना पड़ा। अब वहां के मैं लोगों को समझ रहा हूँ, रोल्स को समझ रहा हूँ, इसको ये बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं, और मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं इनको कभी ये नहीं बता रहा हूँ कि आप ये बोलिए, मैं सिर्फ अपनी नॉलेज के लिए समझ रहा हूँ। मैं वो काम नहीं करूँगा जो उसको मैं अपोज करता हूँ, कि मैं अपना माइंड सेट को उनके ऊपर इम्पोज कर दूँ। जो भी उनकी करंट स्टोरी है उसी को लेके आगे बढ़ना पड़ेगा, उसी को। लेकिन मैं उसको पूरी तरह एक्सेप्ट भी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि उनके वापस में उनकी कम्युनिटीज में स्टोरीज बदलती रहती हैं। कभी ये बोलते हैं कि ये है, कभी वो बोलते हैं। लेकिन एक बात तो सही है, रोल्स, हर देवता का रोल्स क्या क्या है। उनके नाम तो बड़े सिमिलर हैं, चक्र का शाच, उष्णा का उष्मल, बोलते हैं ना करोड़ी मल उष्मल। अगर स्पेनिश लैंग्वेज में बोलेंगे उष्माल तो खराब हो गया, तो उसको जो माल जो शब्द है वो नेगेटिव शब्द आ जाता है, विच इज नॉट गुड, तो वो स्पेनिश वर्जन हो गया। स्पेनियर्स ने बहुत कोशिश करी तोड़ने की, लेकिन तोड़ ही नहीं सकते। इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर से कैसे तोड़ेंगे आप, आपको तोप लगानी पड़ेगी। कोशिश तो बहुत करी उन्होंने, जैसे एक बालम में जाके तोड़ रहे हैं अभी वहाँ के लोकल लोग। और बड़ा अच्छा होता था, इंडिया के एक बंगाल के लेफ्टिस्ट मिले मुझे वहाँ पे, और क्या बोलते रहे कि अरे बार्बरिज्म हिंदुओं में बहुत ज़्यादा, ऐसा कुछ बता रहे थे मुझे। वहाँ पर भी मिल गया मुझे, बहुत इंडियंस आते हैं वहाँ देखने के लिए। लेकिन कोई भी, जैसे मैं स्टडी करने के लिए गया था तो अपनी बुक को बताने के लिए कि जो मैं बुक में लिखा है वो एग्जैक्टली सही भी है, क्योंकि मैं थोड़ा उल्टा मेथोडोलॉजी फॉलो करता हूँ। पहले मैं लिखता हूँ श्लोकों के माध्यम से, फिर मैं वहाँ जाता हूँ। तो वो मुझसे आर्ग्यू कर रहे थे, तो मैंने उनको एक ही बात पूछी कि अगर आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ ये इंडिपेंडेंट कल्चर है, तो एक बलम में अनंत शेष के मुंह के अंदर कौन बैठा है? कुछ तो होंगे ना अंदर, जो अंदर से निकाल दिए गए। अभी कोई मना नहीं कर सकता, अनंत शेष बैठे हुए। और हर जगह शच की पूजा है, शक की पूजा है, मतलब शुक्र उनके गुरु, इंद्र की पूजा, इंद्र मय गदानव का दोस्त। आपने खांडव वन के लीला अगर किसी को मालूम हो, वहां पे किस तरह मय की जान बचाई, किसने बचाई? अर्जुन ने। इसीलिए मय ने उनको ऑफर दिया कि मैं आपके लिए महल बनवाता हूं, और अर्जुन ने मना कर दिया लेने से, कृष्ण ने मांग लिया युधिष्ठिर के लिए। ये कहानी वही है, मय जो है इंद्र का दोस्त, तक्षक का दोस्त। तक्षक किसके दोस्त हैं? इंद्र के दोस्त हैं, है ना? इंद्र के दोस्त हैं, मैं भी इंद्र के दोस्त हैं, भक्त भी बोल सकते हैं उनको। और शुक्र मैं के गुरु, और शुक्राचार्य जो हैं उनकी इंद्र बहुत, अभी इंद्र ने भी अपने जासूस बिठाए हुए हैं। इंद्र के गुरु तो बृहस्पति हैं, लेकिन मैं और तक्षक इंद्र के दोस्त अब वहां बैठे हुए हैं, और शुक्राचार्य जो महादेव के भक्त, तो सब कुछ कनेक्ट हो जाता है। चाहे इंद्र पसंद करे या ना करे, लेकिन देवताओं की रक्षा तो विष्णु स्वयं करते हैं, और वामन देव की लीला हो रही है वहां पे। तो ये सारी स्टोरीज जो है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में मेरे नैरेटिव को सिद्ध करती है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, क्योंकि डायरेक्टली नहीं है, वो योग विद्या से आएगा। जब मैं योग में पारंगत होऊंगा तो मैं ये सब चीजों को ठीक से देख सकता हूँ। अभी प्रेरणा है हृदय में। अच्छा, उसके पास में एक बलम जो नाम है वो उस व्यक्ति का नाम है जो सबके ऊपर है, संस्कृत का नाम है, जिसका एक बल हो, मतलब जिसका बल श्रेष्ठ हो और वो सभी का दोस्त भी हो, तो वो तो विष्णु ही है। और उसी के पास में जो चिचनित्सा है, चिचनित्सा जो है उसमें पूजा तो चक्र की होती है, चक्र के बिहाव पे राज करते हैं लोग। युक्तन जो नाम पड़ा है, मतलब योग से ही नाम पड़ा है, योग युक्त युज धातु से, लेकिन अभी काफी लोगों ने बदल दिया है, किसी को मालूम नहीं है स्टोरी। अगर विकिपीडिया सर्च करेंगे तो उष्माल का मतलब बताएंगे, वो उष्मल का मतलब बताएंगे कि ये तीन बार बना था इसलिए वो कह रहा, तीन बार बना था। मेरे हिसाब से
उष्मल जो जगह है वो सतयुग की जगह है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, और द्वापर युग में इसको वापस बनाया गया, बहुत पुरानी जगह है। तो तीन बार तो बना होगा, हर युग में बना होगा, लेकिन ये अभी की रीसेंट नहीं है। तो लास्ट टाइम जब वो बना है तो महाभारत काल चल रहा होगा, या महाभारत काल का युद्ध के बाद का समय होगा उसी साल। तो 7, 7.5 हजार साल पे होगा। आजकल के लोग जो बताते हैं कि 900 से 1100, पॉसिबल ही नहीं है। तब तक तो सारे मुसलमान क्रिश्चियंस वगैरह सब आ चुके थे, पॉसिबल नहीं है। ये उसके प्री हिस्टोरिक जगह है, ये करीब एटलीस्ट 6 to 7,000 years old है, और हो सकता है रिपेयर हो, एक के ऊपर एक बना हो, क्योंकि कोई भी चीज़ गड़ी हुई नहीं थी, वो धीरे धीरे मतलब वो जमीन से ऊपर ही थी हर चीज़, उसको बस डस्ट हटाई गई और रिपेयर किया गया, और सारे गोलाकार में बने हुए हैं, शार्प एजेस नहीं है जैसे इजिप्ट में आपको दिखते हैं, गोलाकार है, स्तूप के जैसे बने हुए हैं, सीढ़ियां हैं, ऊपर जा सकते हैं, चढ़ना मना है हर जगह, और हाइट इस तरह इतनी ज़्यादा है कि आजकल के मनुष्य के लिए वो सीढ़ियां नहीं होंगी, तो मनुष्यों का साइज पहले से बड़ा होगा। और यहाँ पे अगर आप जाएंगे युकतान में जाएंगे वहां पे, तो लोगों के चेहरे एकदम गोल है, एकदम गोल, ऐसा लगता है कि एकदम जैसे मेरा भी गोल है, लेकिन वहां पे एकदम गोल जैसे लगता है फुटबॉल जैसा है। बड़े मधुर स्वभाव के लोग हैं, सिंपल लोग हैं, और वहां पे क्राइम भी नहीं है क्योंकि यहाँ के लोग सहन नहीं करते हैं। थोड़ा बहुत शुरू हो गया बिकॉज ऑफ द मेक्सिको की इकॉनमी की वजह से, पूरा जगह सेफ भी है और बड़े भोले भाले सिंपल लोग हैं, हाइट बहुत छोटी छोटी हाइट है ना। तो वहाँ पे जो बात कर मैं एक फोटो भी आएगा मेरा सोशल मीडिया पे, उसमें आपको दिखेगा मैं बड़े से पेड़ में खड़ा हूँ, अलुश का एक पेड़ है जो बोलते हैं स्वर्ग को पाताल से जोड़ता है, वो पेड़ उधर आप प्रार्थना करें तो उसके बारे में मैं थोड़ा बताऊँगा कि ये सब पुरानी धारणाएं हैं, देवता होते हैं, उपदेवता होते हैं, तो ये बिल्कुल सत्य कथा है, लेकिन उसको कहाँ से हम पुराणों से जोड़ें, वेदों से जोड़ें, उसके बारे में डिटेल बात तो करनी ही पड़ेगी। और हम सब ने थोड़ा थोड़ा काम किया है, हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा काम किया है ताकि हम लोग आगे बढ़ें इस एरिया में। लोकल आपको जो है वहाँ पे जगन्नाथ जी की कृपा से मैं जहाँ पे रुका था वहाँ सब सेफ जगह थी, आपको बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा लोकल अपनी सिचुएशन का, और जहाँ तक हो सके अगर आप मदद लें किसी की भी तो वहाँ पे अभी हम लोग TME ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, ट्रांसेंडिंग द माइंड एक्सपीरियंस, आप लोग हमारे साथ चल सकते हैं, तो उसमें गाइडेड टूर भी रहेगा आपका, या फिर आप अगर आप अकेले जाएं तो थोड़ा प्रिकॉशंस लेके जाइएगा वहाँ पे, और क्योंकि उसको आप ये समझ लीजिए जो पुराना भारत था जहाँ पे आप निकल नहीं सकते जंगल में अकेले, उसी तरह का है वो। आजकल तो भारत में इतना एडवेंचर लोग करते हैं मोटरसाइकिल से, जीप से, तो अब सेफ्टी ज़्यादा है भारत में, लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है, बहुत जगहों पे नहीं है, और यहाँ पे मैं लोगों ने गवर्नमेंट को इन्वॉल्व भी होने नहीं दिया, कहीं पर भी गवर्नमेंट को कहीं इन्वॉल्व भी होने नहीं दिया, विच इज़ अ वेरी फनी थिंग। गवर्नमेंट कितना भी चाहे यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं हो सकती, और इन्वॉल्व तो ये इट इज़ अ गुड थिंग ऑल्सो, क्योंकि मैक्सिमम गवर्नमेंट तो कुछ है ही नहीं वहाँ पे, उसका तो बोलते हैं 30 states हैं, वो तो US गवर्नमेंट जो है मैक्सिको इन्वेड नहीं करती, अगर US गवर्नमेंट इन्वेड करने का सोच ले तो मैक्सिको बचेगा ही नहीं, क्योंकि ये लोग डिफेंड नहीं करने वाले, ये लोग मर्ज कर जाएंगे ऐसा कुछ लगता नहीं। लेकिन जो युकतान के लोग हैं, माय लोग हैं, जो पुराने लोग हैं, वो नहीं करने वाले, वही रेजिस्टेंस देंगे, उन्होंने स्पेनिश को रेजिस्टेंस दिया, इसलिए आज भी उनका रिलीजन, फूड हैबिट्स, कल्चर सारा उनका सुरक्षित है। तो मैं यहीं पे रोकूंगा, ये तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन आपको कोई प्रश्न है तो मुझे जरूर पूछेगा, और मेरे ईमेल पे लिख दीजिएगा sathology@sathology.org सो दैट आई विल कॉरेस्पॉन्ड विद यू। हमको लाइक करिए, शेयर करिए, सपोर्ट करिए, अब बाकी वीडियो का आनंद लीजिए, और इसमें स्पेनिश लैंग्वेज में होगा, उसमें थोड़ा थोड़ा बीच बीच में बताता रहूँगा आपको हिंदी में, और मैं सेम वीडियो को इंग्लिश में भी दूंगा, सो दैट यू ऑल कैन गेट बेनिफिट। लाइक करिए हमारे को, शेयर करिए, और हमको अपना
अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा इस वीडियो के ऊपर। इसके बाद आएगा चचनित्सा पे, उसके बाद आएगा इकबलम पे, और ऑल्सो सोनोते के बारे में। सेनोते नहीं, सोनोते। सोनोते जो है वो सूर्य या देवताओं या उष्मल उनकी पूजा के लिए बनाया गया है कि जब भी बारिश का भाव होता है तो वो लोग जल में जाके तर्पण करते हैं। वो वैदिक रिचुअल ही है। तो वहां पे सिर्फ स्नान करने के लिए ना जाइए प्लीज। मेरे को वहां पे जब मैं लोगों को देख रहा था एंजॉय करते हुए, अब वैसे एंजॉय तो करना चाहिए, हम लोग तो कुसुम सरोवर में भी लोग स्विमिंग करते हैं, करना चाहिए, लेकिन एक श्रद्धा भाव में करिए। सिर्फ घुस के वहां पे श्रद्धा भाव होना जरूरी है। इसलिए मुझे थोड़ा वहां पे मैंने जरूर डुबकी जरूर लगाई, लेकिन मन में मैं मंत्र कर रहा था और रिस्पेक्टफुली कर रहा था, क्योंकि वो जगह बहुत पुरानी है। क्या औचित्य होगा, क्या पर्पज होगा, कहीं भी ऐसी जगह है ही नहीं ये पुरानी जगहों में कि जो धर्म कार्य के लिए यूज ना की गई हो। तो चाहे कहीं भी हो, रिस्पेक्ट करना जरूरी है अपने ही सनातन धर्म के माध्यम से। नमस्ते एंड धन्यवाद। Hola, nos da mucho gusto saludarte y queremos saber un poco más de Uxmal, lo que tú nos quieras contar. Bueno, me gustaría mucho que visitaran Uxmal. Aquí tenemos una réplica de lo que es el Adivino de Uxmal. Ah, pues cuenta la leyenda que pues es un enano que que su mamá escondió, creo que si mal no recuerdo. Es algo, ¿cómo se llama eso? Que para moler metate, ¿no? Ajá. Entonces, al encontrar el metate, el enano de Uxmal que su mamá escondió, entonces él supo lo que es lo que le habían escondido. Él se enteró que podía ser rey, el rey de Uxmal. Él se enteró que podía ser el rey de Uxmal. Sí. Ok, ¿y su nombre de él? Es el enano de Uxmal. El enano de Uxmal. Sí. Okay. Cuenta la leyenda que hizo la pirámide en un día, en una noche. Cuenta la leyenda que hizo la pirámide en una noche. En una noche. Eso okay. Es lo que cuentan. Y encontró el metate. Al encontrar el metate, ajá. Al encontrar el metate. ¿Qué religión? Cuenta la leyenda que fue como una competencia. Él supo cómo salir adelante, cómo ser rey. ¿Cómo Entonces, ser rey? Ajá. Cuenta la leyenda que se le rompió un cocoyol en la cabeza. Ok. Sí. Dicen que se puso, de hecho, lo que es la jícara. Ajá. Es lo que puso en su cabeza. Entonces, cuando le rompieron lo que es el cocoyol en la cabeza, no se rompió su cabeza. Siguió vivo. Oh, wow. Y así demostró que él podía ser el rey de Uxmal. Wow, qué interesante. ¿Y qué es en lo que creen los mayas cuando crean Uxmal? O sea, ¿qué es en lo que rezan o qué es en lo que creen? Es que ellos le dedican cada templo al dios Chac, a diferentes, al dios del maíz, a diferentes, donde ellos le piden que venga lluvia, le piden que hayan cosechas. Cada templo es dedicado a un dios. Ellos creen diferentes dioses. ¿Y en Uxmal cuál es el templo al que le dedican? ¿A qué dios? Es al dios Chac. ¿A dios Chac? Sí. Ok, ahora platícanos de tu árbol de la jícara. Pues no sé, yo desde que, según me dice mi esposo, que tiene como más de 100 años okay. La jícara. Es un árbol que tiene más de 100 años. Sí. Sí, es un árbol que tiene más de 100 años. Sus frutos son utilizados como recipientes. De hecho, mucha gente, o sea, de hecho mi mamá lo hace. Agarra 9 de las jicaritas y hace lo que es el zacap y se la ofrece al yum, que es el dios que dice, al yum chak, para que venga lluvias, se lo ofrece para que tengamos salud. 9 jicaritas pequeñas, las pone y las ofrece así. Dentro le pone lo que es el zacap, es una bebida a base de maíz. Oh, ok. Sí. ¿Y la tomas esa bebida o solo la ofrece? Solo la ofrece
hay que se toma, lo sacan aparte lo que se va a tomar, pero lo que se ofrece no se toma. Qué bonito, lo que se ofrece no se toma. No se toma. Okay. No se toma, lo ponen donde, en el lugar donde están pidiendo que venga, ya sea lluvia, salud, cosas así. ¿Y esa bebida la preparan de qué fruta? Maíz. De maíz. A base de maíz. Okay. Y maíz con miel. Maíz con miel. Sí, miel y agua es todo. ¿Y es una bebida que te emborracha o es una bebida solo como un agua? Es una bebida que hasta cierto modo como que te llena al tomarla igual, porque como está espesito. Ajá. Okay. Es ¿y espesito. El nombre otra vez de la bebida? Zacap. Zacap. Es una community here, big community who follow the culture Uxmal. ¿Hay toda esta comunidad o hay una gran comunidad que siga todas estas tradiciones? Sí, todos acá en Santa Elena, pues sabemos todo lo de Uxmal y sí, todos respetamos lo que es la cultura maya. Se sigue haciendo lo que es el zacap que se ofrece, se hace el huajicol, se piden las lluvias. ¿La religión también es maya o just culture maya? ¿La religión también es maya o solo es la cultura maya? Es la cultura maya porque en religión pues están como viendo lo que es el cristianismo, tenemos católicos, cristianos, pentecostés, testigos de Jehová, diferentes, o sea, se fue dividiendo, pero pues antes no. Pero sigue prevaleciendo lo que es parte de la cultura maya. De hecho, acá se hace hay una tradición que solo se hace aquí en Santa Elena, que es el coche. El coche se hace para las ferias del pueblo. Es una mesa que la forma en forma de casita, donde cargan unas muchachas. Y esas muchachas, por ejemplo, el gremio sale de una casa y cargan a las muchachas para que las lleve en donde va a ser el gremio el próximo año. Es una tradición que viene de antepasados. Oh, wow. Las cargan en hombros, en la mesa, y ahí están las muchachas. O sea, aquí en Santa Elena se siguen prevaleciendo varias tradiciones de lo que es la cultura maya. A pesar de que hay varias religiones, pero la cultura maya no desaparece. Eso es lo mejor. Es lo más bonito de nuestro México también. Sí. You have a photograph of this Uxmal, the main deity of Uxmal. ¿Tienes alguna fotografía del enano, como le llamas tú? ¿Cómo se llama? El enano de Uxmal. ¿El enano de Uxmal? ¿Tienen alguna fotografía o tienen alguna imagen? No. 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 Pero es Chichen Itza. En Chichen Itza sí está lo que es el Chacmol, está lo que es el Kukulcán, la serpiente de Kukulcán. Okay. ¿Puedes ver uno de jícaras? ¿Está bien si nos enseñas una de las jícaras que tienen ahí? ¿Claro? Si quieres, yo te la traigo. You want to stop? She's gonna bring one. Sí. Bien, ese es el fruto de la jícara. Estas jícaras son utilizadas como recipientes en la cultura maya. Ajá. Cuando ya están maduras, el proceso es cortarlas, meterlas en agua hirviendo, para que vayan soltando todo lo que tiene dentro y luego se va raspando. Al final se saca el sol y ya quedan para utilizarse como recipientes. También son utilizadas para hacer artesanías. ¿Y esas las ofreces para la parte que me platicaste que las ofreces? Ah, sí. Se utilizan como recipientes para el zacap, donde se ofrece al dios Chac, para que vengan las lluvias. 9 jicaritas pequeñas se pone en lo que es el zacap y se ofrece al dios Chac para pedir lluvias. You use this tree for worshiping the deity? And there are bale. What do you call this one? ¿Cómo se llama otra vez? Jícara. 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 En maya, luch. Maya, luch. Luch.
Le dicen lucho. Is it sweet, dulce? ¿Es dulce si la pruebas? No, no se come. It's not for eat. Solamente se utilizan como recipientes. Lo que sí se utiliza, por ejemplo, como medicinal son las hojas. What is the medicinal or the leaves? Leaves. Mm-hmm. Yes, but the fruit is just as a recipient. Recipient or the... And to make the offering. Offering, but nobody eaten the fruit, it should be sweet. ¿Nunca nadie ha probado esa fruta? No, no. Tiene mal olor. ¿Tiene qué? Como que huele diferente al cortarla. When you cut it, it smells pretty bad. Ajá. Sí, tiene un olor diferente, por eso, o sea, no se come. Las hojas son utilizadas como este, por ejemplo, que si tiene calentura a las personas, no se les baja la calentura con los medicamentos que les da el doctor o que están utilizando. Se ponen la jícara en la cabeza y absorbe lo que es el calor que tienes y ya se te quita. ¿Ves cómo la hoja se seca? ¿La hoja? Ajá, se va secando la hoja porque te absorbe lo que es la calentura. Y ya te sientes mejor. ¿El nombre del árbol es? Jícara. Jícara. Árbol de jícara. La fruta es jícara y el nombre del árbol. Ajá, es jícara, sí. ¿Sí? Claro. Ajá. Hola, dinos tu nombre y dónde estamos el día de hoy. Bueno, mi nombre es Clara de Los Ángeles Tecarana, soy oriunda de aquí de Santa Elena, Yucatán, orgullosamente maya y yucateca. Sigue vibrando con los ecos de historias antiguas. Si pones atención, podrás escuchar los ecos de relatos que quedaron guardados en estos muros, esperando a que alguien los descubra. Cuyos muros absorbieron antiguas palabras de poder, historias de gobernantes mayas que buscaban comunicarse con los dioses. El camino de luz cuando estés listo. Durante tu viaje conocerás lugares donde ecos antiguos cobran vida. Materno.
mis abuelos me contaban de dónde venimos y por qué el mundo es así como lo vemos. Aquí me contaron que hace mucho tiempo, en el momento de la creación, los dioses separaron a la tierra del cielo y crearon el mundo. Mis abuelos me enseñaron que hay vida de dioses en los árboles y en las plantas, en los animales y en las piedras, que todo el tiempo los dioses nos hablan, pero solo pocos pueden entenderlos. Aquí supe que de todos los árboles había uno muy especial, lo llamamos Yaché, la ceiba madre. Este árbol es el centro del universo. Es el árbol de la creación. Mira las estrellas entre sus ramas. Estas suben y suben hasta alcanzar 13 cielos, donde viven unos dioses llamados Uxlajuntikú. Mira su tronco. Su tronco es el lugar de la tierra, donde estamos nosotros. Es el lugar que compartimos con las plantas, los animales y las piedras. Mira sus raíces. Estas bajan y bajan y se hunden pasando por 9 niveles, donde viven los Volonticú, en un lugar oscuro llamado Minal, donde llegan los que mueren. Solo este árbol, el cielo, la tierra y el mundo de abajo. Ahora tengo que irme, pero regresaré pronto. So, abhi main iske grounds mein hoon. Aap dekh sakte hain ki idhar jo grounds hain yahan pe, wo jo hai, it is very well maintained, lekin garmi bahut hai yahan pe. To garmi jab hoti hai, to you cannot see a lot of things here. तो कैमरा का मेरा लेंस भी थोड़ा ठीक से काम नहीं कर रहा है, सो दैट्स व्हाई यू सी द ब्लर्ड इमेज एंड टू मच ब्राइटनेस. आई थिंक द मोड इन विच आई हैव केप्ट द कैमरा इज़ नॉट करेक्ट. लेकिन यू कैन सी बिहाइंड द ट्रीज इज रुइंस, मंदिर के जो अवशेष हैं दिख रहे हैं आपको, और कुछ ये लोग हटा भी नहीं सकते हैं, तो इट यू विल सी देम एज इट इज़. ये यहाँ का एक पैलेस है जिसके ऊपर मैं जाऊँगा थोड़ी देर के लिए, और हर जगह ऐसे मंदिर आपको स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे, बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स हैं. और इसके साथ में आपको दिखेगा बहुत गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी है. और इसके साथ में आपको दिखेगा पीछे जो है एक जो इनका जो पैलेस का जो ग्राउंड है वो दिखेगा आपको, और बहुत बड़ी जगह है, 15 स्क्वायर किलोमीटर फैली हुई जगह है, और एक्चुअली पूरा जंगल ही होगा अंदर होंगे अवशेष, क्योंकि जो भी ढूंढा है अभी तक वहाँ के लोगों के हिसाब से इट इज़ ओनली 30% ऑफ द होल थिंग दे हैव सर्च्ड आउट, उसके ज़्यादा नहीं है. और ये इनका जो ऊपर पहले से काफ़ी टूरिस्ट भी हैं, लेकिन बहुत ही कम है, पूरे उसमें देखा जाए तो गिन के 50 होंगे या लेस देन दैट होंगे, क्योंकि गर्मी बहुत है और लोग कम आते हैं, रिमोट एरिया है काफ़ी, लेकिन अच्छी जगह है, ध्यान करने के लिए अच्छी जगह है. ये आपको जो पीछे दिख रहा है वो उनके पैलेस का दूसरा पार्ट है, और अभी थोड़ी देर में आपको इन पेड़ों के पीछे जो मंदिर का जो छोटा सा दिख रहा है ऊपर टॉप जो स्ट्रक्चर दिख रहा है वो मंदिर का स्ट्रक्चर है, जो वहाँ का चंद्र का स्ट्रक्चर है वो दिख रहा है आपको. और मैं भी उसके कॉर्नर में जा रहा हूँ ताकि वहाँ से आपको पूरा पैलेस ऊपर जो है दिखाई देगा. मैं उसके पास भी काफ़ी गया हूँ, तो आपको बाकी इमेजेस जो हैं दिखेंगी, जो मैं दिखाऊँगा बाद में वो आपको बाकी इमेजेस दिखेंगे. और आपने ऑलरेडी सुना पिछले कि हिकारा को जो बता रही थी वो क्या है, वो फल कैसा है दिखता है, और एकदम बेल का, जैसे भारत का बेल का फल होता है वैसी बेल का फल है वो भी. और तो काफ़ी अच्छी जगह है और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी जगह है हमारे लिए, और ये प्रूव होता है कि सनातन धर्म के अवशेष थे अभी तक. जिन लोगों ने भी लिखा था सब ने यूरोपियन स्कॉलर्स को स्टडी किया था, और पहली बार जो मैं अपना वर्जन दे रहा हूँ वो अपना वर्जन है, सनातन धर्म का वर्जन है. तो आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, और आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए.